दोनों बातें, सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य सद्भाव इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये एक तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2,70,00,000 आबादी है। अब 2,70,00,000 या 80,00,000 आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे।